There is something new every day. The future feels so unpredictable. Where could we be in 15 years? Our playgrounds may change. Learning may not need classrooms. Robots might help us meet time for more important things. Will virtual life be our new social life? Coming? Don't worry about what the future will look like. Just prepare for it. Fearless plans from Aegis Federal Life Insurance help you and your family prepare for the future. Hello and welcome to a very special edition of Backstage with Boria with Someone. All of India will want in the next 2 weeks to script history for the country once again. Hum sab aap hi ko dekhenge next 2 hafta dobara hame Olympics le jane ke liye. Sabko yaad hai Tokyo mein aapne wo quarter final mein Australia ke khilaf kaisa aapne performance kiya tha. Wo 7 penalty corner abhi bhi mere samne clear, ekdam clear hai. Aur wo fourth place finish jo hockey ko ek alag hi, women's hockey ko ek alag hi darja diya tha. दोबारा आपसे यही मांग हमारा सबका रहेगा, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का परफॉर्मेंस दोबारा आप करेंगे यही हम चाहेंगे. वेलकम सविता पूडिया फॉर दिस वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन. प्रिपरेशन कैसा है? होम ओलंपिक क्वालिफायर्स प्रेशर तो आप पे है, बट आप कैसे उसको डील कर रहे? या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर. डेफिनेटली प्रेशर तो है, आपने ऑलरेडी बोला वो चीज को, और ये मैं डिनाई नहीं करूंगी कि नहीं प्रेशर नहीं है. बट आई थिंक इससे बड़ा हमारे लिए इस टाइम और कोई इवेंट भी नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ एशियन गेम, एशियन चैंपियन ट्रॉफी, सब एक ओलंपिक्स का जो बाकी जो सफर है. सबको पता है कि हमारी टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जिनका ऑलरेडी 2 ओलंपिक्स हो चुके हैं और कुछ हैं जिनका एक भी नहीं है. तो वो एक टीम का बैलेंस साथ में लेके चलना और उनके अंदर वो एक्साइटमेंट है कि हाँ हमें ओलंपिक्स जाना है. टू बी ऑनेस्ट जो सर पिछले 2-3 साल में टीम ने इम्प्रूव किया है, हम डिजर्व करते हैं ओलंपिक्स में जाना. बट यहाँ पे बाकी जो टीम्स भी आई हुई है, कोई भी इस चीज़ को इजी तो नहीं लेंगी. हर कोई अपना बेस्ट देंगी और हमारी भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है. इससे थोड़े दिन पहले ही हम स्पेन में गए थे और वहाँ पे बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन एंड आयरलैंड के साथ हमारे टेस्ट मैचेस थे और काफ़ी अच्छे मैच रहे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. और अब तो डू और डाई वाली बात है सर, जो भी है अपना इंडिविजुअल और एज ए टीम अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं टीम के लिए वो हमें करना है. हाँ, मैं आपके कोच के साथ भी बात कर रहा था यानी का शॉपमैन से, और वो कह रहे थे कि देखो मैंने प्लेयर की तरह ये किया है, वो कोच की तरह भी मैं करना चाहती हूँ. एंड मेरे साथ सविता का जो बॉन्डिंग है, आप लोग दोनों का बॉन्डिंग मैं टोक्यो से देख रहा हूँ. 2 सवाल, एक वंदना को आप कितना मिस करेंगे और वो वहां से भी आपको चीयर करते रहेंगे, और दूसरा यानिका पे भी प्रेशर रहेगा, बट रांची में आपके साथ बहुत सॉलिड क्राउड सपोर्ट रहने वाला. हर मैच भारत का 14 से शुरू करके पैक्ड क्राउड्स होंगे. कितना इंपॉर्टेंस है इस क्राउड का आप लोगों को, वो फाइनल 5 मिनट पुश करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल सर, वंदना का सबको पता है कि कितनी एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, और वंदना के साथ साथ हमारे टीम में और भी 2-3 सीनियर प्लेयर हैं जो इस बार टीम में नहीं है. सुशीला के भी, सुशीला चानू के भी इंजरी हुई है, और दीप ग्रेस के अपने कुछ फैमिली रीजन थे उसकी वजह से वो नहीं आ सके. तो सब अपने डेफिनेटली हम उनको मिस करेंगे. बट उसके साथ साथ एक अच्छी बात ये भी है कि जो कोर ग्रुप के साथ हम ट्रेनिंग कर रहे थे, जो उनकी जो रिप्लेस में जो प्लेयर्स आए हैं, वो हम 22 प्लेयर्स के साथ स्पेन में भी गए थे. तो शायद उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, बट एज ए प्लेयर हमें ऐसा लगता है कि उनका भी हमें बेनिफिट होगा और होपफुली इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा. और डेफिनेटली वरना है, चाहे सुशीला है, ग्रेस है, और बाकी जो हमारे कोर ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, वो सब अपने अपने जहां अभी बेंगलोर में कैंप है, उसके बाद घर भी होंगे, वहां से हमें जरूर वो शेयर करेंगे. और बस सर एक ही बात है कि कोच जितना हमें करवा सकती थी सब ट्रेनिंग करवाया, इंडिविजुअल भी और डेफिनेटली टीम में तो करते ही हैं, क्योंकि हम गोलकीपर हैं तो काफी अलग से सेशन हमारे उनके साथ रहते हैं, और ड्रैग पिक हैं वो अपना अलग से करते हैं.
तो अभी तो यही बोल सकती हूँ कि वी आर रेडी एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द टूर्नामेंट। और रांची में है तो डेफिनेटली लड़कियों के अंदर और ज्यादा वो एक ईगर है कि हाँ हमें खेलना है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने यहाँ पे एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेला था और बहुत जो सपोर्ट जो मिल सकती थी जितना सोचा था उससे ज्यादा मिली थी। क्योंकि मैंने 2011 में भी यहाँ पे नेशनल गेम खेला था, तो उस टाइम मैंने घर पे जाके पापा को बताया कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, लोग छत पे पेड़ों पे लटक लटक के मैच देख रहे हैं। तो वो चीज हमने फिर से वापस एशियन चैंपियन ट्रॉफी में देखी, और अभी भी देख रहे हैं कि रास्ते में जब आ रहे हैं जा रहे हैं सबके अंदर वो एक्साइटमेंट की हाँ वापिस से हॉकी यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। तो याद है मुझे सेमीफाइनल मैच एशियन चैंपियन ट्रॉफी में कोरिया के साथ था, थोड़ा सा एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे था, और ऑडियंस ने मतलब इतना चेयर किया कि वापिस से फिर वो रिदम में वापिस आ गए। तो वो एक पॉजिटिव जो सपोर्ट यहाँ से मिलता है, तो होपफुली इस टूर्नामेंट में भी हमें वो मिलेगा। सुपर, बहुत ही अच्छा आंसर था ये। एक बात बताइए, एशियन गेम्स में आपके पास मेंटल कंडीशनिंग कोच नहीं था और अभी आपके पास मेंटल कंडीशनिंग कोच है। आपका कोच ने भी इसके बारे में जिक्र किया मेरे साथ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वो जैसे उनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है और यानिका के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनसे कितना कितना आपका बेनिफिट हुआ है, या मेंटल कंडीशनिंग कोच आने से टीम का कितना बेनिफिट हुआ है? बिल्कुल, फायदा तो उस चीज से हुआ है क्योंकि एशियन गेम में जब हम गए थे काफी वेल प्रिपेयर थे, और हमें बहुत हाई होप थी कि हम वहां पे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, और समहाउ नहीं कर पाए। और ये स्पोर्ट्स लाइफ में होता है, हार जीत चलती है, बट उसके बाद शायद मोरल इतना डाउन था कि ये तो हमने नहीं सोचा था कि हम ब्रॉन्ज मेडल के साथ वापस आएंगे। बट उसी के थोड़े टाइम के बीच में और इंडिया में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट होना, हम मेरे सामने इतना बड़ा उससे पहले शायद कभी हुए होंगे, बट एशियन चैंपियन ट्रॉफी फर्स्ट टाइम झारखंड में होना, हमें अपने आप ये था कि वो हाथ से चला गया। बट अभी पता है कि झारखंड में सब लोग हॉकी से कितना प्यार करते हैं और कितनी होप के साथ ये टूर्नामेंट करवाया है, तो हम इसको ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते। और अच्छी बात ये है कि उस टाइम पे हमारे जो मेंटल कंडीशनिंग ट्रेनर हैं पीटर, वो आए और उससे सबको बहुत हेल्प हुई, क्योंकि काम तो हम इस चीज पे काफी टाइम से कर रहे थे जब से यानी कि हमारे साथ आई, क्योंकि यानी कि उनके साथ यूएसए में भी उनके साथ थी, तो वो उनसे एक्सरसाइज पूछते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज करते थे। बट एक वो खुद जिस चीज में एक यान जैसे चीफ कोच, और एक वो किसी को मेरे को बोल दे कि तुम ट्रेनिंग कराओ, तो कुछ तो डिफरेंस उसमें थोड़ा बहुत तो रहता होगा। तो जब पीटर आए तो उसमें यान को भी हेल्प हुआ, और टीम तो हर एक टीम अभी शायद उनका आज फ्लाइट लेट हुआ तो वो लड़कियां पूछ भी रही है कि पीटर कब आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो उनके साथ बात करके वो कॉन्फिडेंस आता है, वो मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेशर को डिनाई करते हैं कि प्रेशर नहीं है, नहीं मुझे प्रेशर नहीं है कि कोच क्या सोचेगा या मेरी टीममेट क्या सोचेगी या पब्लिक क्या सोचेगी कि आप इतने साल से टीम में हो, अभी भी प्रेशर है। बट प्रेशर नॉर्मल है, वो प्रेशर होना जरूरी है। अगर आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, इसका मतलब आप मैच के बारे में रेडी नहीं हो, या आप आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो पर उस चीज के साथ आपको खेलना वो जरूरी है, वो आप उसको भगा नहीं सकते, आप अपने थॉट्स को दूर नहीं कर सकते कि मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, बट वो सब चीजें नॉर्मल है, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के साथ खेलना है। तो हमें बहुत मच्योर आंसर था ये। मुझे ये बताइए, अभी आप कैप्टन हो, सीनियर प्लेयर कैप्टन होने के नाते यंगस्टर्स को आप इसके बारे में कैसे समझाते हो कि ये जो ये तो नॉर्मल है, हम लोगों का ये ब्रावाडो होता है कि नहीं नहीं प्रेशर नहीं है, मैनेज कर लेंगे, बट अंदर ही अंदर हम लोग उसी प्रेशर से दब जाते हैं। उसको एक यंगस्टर का डील करना और भी डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली या सीनियर प्लेयर, और जब ये मंच इतना बड़ा है कि आप यहां से ओलंपिक जाओगे, अगर नहीं क्वालिफाई कर सकते हो तो दो ओलंपिक्स के बाद भारत नहीं जाएगा, इसका जो एक डर है, इसका जो एक बैकलैश का डर है, इसको ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आप यंगस्टर्स को कैसे समझाते हो इस बारे में? बिल्कुल सर, मेरा ऑलमोस्ट 15 साल का हॉकी कैरियर हो गया है, तो काफी एक्सपीरियंस है उस चीज का, और बहुत टाइम लग गया मुझे भी ये चीज समझने के लिए कि आप इस चीज को आप छुपा नहीं सकते, और जितना ज्यादा बात करोगे आप उतना ही आपकी हेल्प रहेगी इस चीज में। तो सबसे ज्यादा मैं अपने खुद के ओन एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास जब मैं फर्स्ट टाइम रियो ओलंपिक्स में फर्स्ट मैच के लिए खेलने जा रही थी, तो मुझे कितना डर था, खेलना मुझे हॉकी था, सब कुछ पता था, बट माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि आज अगर मेरे से ये गलती होगी तो क्या होगा, अगर आज मैंने ये कर दिया तो क्या होगा। और
बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है। और मैंने अपने पापा को फोन किया और बताया कि पापा मैं खेलने आज मैं रेडी नहीं हूँ मैच के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा आज भी वही हॉकी खेलनी है जो तू कल ट्रेनिंग करके आई है, तो जस्ट अपना बॉल को देख और अपने ऊपर विश्वास रख और अच्छा होगा बुरा होगा हम तो तेरे साथ हैं। तो वो मेरे को, क्योंकि उस टाइम मैं टीम में कहीं ना कहीं थोड़ा अकेला फील कर रही थी और वो आपस में उतनी हम एक दूसरे के साथ उतना कनेक्ट नहीं थे, तो मेरे लिए हर जगह मेरे पापा हमेशा रहते हैं, तो मेरे को उनको फोन करना सही लगा। और क्योंकि मेरे सर मेरे अंदर वो इतना उस दिन शायद मैंने प्रेशर ले लिया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इस रूम से बाहर जाना चाहिए या नहीं। अगर आज मैं, और एक ही गोलकीपर होता है ओलंपिक्स में, तो कि अगर मैं नॉर्मली टूर्नामेंट में दो रहते हैं, क्योंकि तो अगर एक नहीं खेला तो आप दूसरे को बोल सकते हो, वो सिचुएशन भी नहीं है। तो वो शायद मैंने अब एक्सट्रीमली प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि आज काश आज मैच ना हो, क्योंकि मैं बाहर रूम ओपन करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बट पापा से बात की और लिटरली मैं रोई, और उसके बाद जब पापा ने मुझे समझाया तो मुझे हुआ कि हाँ सही बात है, मुझे खेलनी तो हॉकी है, जो बॉल मैं डेली रोकती हूँ वही मुझे आज रोकनी है, क्यों मैंने अपने अंदर इतना फेयर बना रखा है। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी टीम मेट्स के साथ बहुत बार शेयर की, और स्पेशली यंग प्लेयर्स को बताती हूँ कि हम सिर्फ यहाँ से स्टक होते हैं, बॉडी सब काम करता है, दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसको हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जो आ रहे हैं आने दो, बट उसके बारे में बात करना जरूरी है। आप उस चीज को डराओ मत कि अगर मैंने किसी के साथ फिर अरे सीनियर दीदी क्या सोचेगी कि इसका मतलब तू रेडी नहीं है, नहीं वो सबके साथ होता है, टॉप क्लास एथलीट्स हैं उनके साथ भी वो चीजें होती है। तो आप इस चीज को जितना ओपनली बात करोगे आपके लिए उतना ही हेल्प रहेगा। हो सकता है वो दूसरा प्लेयर कोई ऐसी बात बोलते हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है पर मैं खेल लेती हूँ इस चीज के साथ, तो लगेगा अरे ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। सही बात है, आपने आपने एकदम सही कहा। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, प्रेशर के बारे में जिक्र करता हूँ, मैं एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ, नाम है। अल्टीमेटली वही नाम ही से सब कुछ का डिफरेंस है। खेलते हैं आप हॉकी हो, ओलंपिक्स बहुत बड़ा नाम है, एशियन गेम्स बहुत बड़ा नाम है। आप जब अपने लोकेलिटी में या बैंगलोर में या रांची में प्रैक्टिस करते हो तो उसका नाम नहीं है। द मोमेंट आप कहते हो ओलंपिक क्वालिफायर, उस नाम के साथ प्रेशर जुड़ जाता है। अगर आप वो अपने आप से ये बैलेंस कर लेते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और एटलीस्ट आप समझ जाते हो। सो ये नाम का जो है ना, ये ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जो मंच का जो जो प्रेशर उस नाम के साथ आता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अंतिम दो सवाल आपसे सविता। एक देखिए, ये जो मैं जब ये लिस्ट ऑफ टीम्स देख रहा था, शायद जर्मनी हाँ थोड़ा सा बेहतर टीम है, बट बाकी जापान बोलिए, यूएसए बोलिए, चिली बोलिए, न्यूजीलैंड बोलिए, हम इन सबको हरा चुके हैं। सो एक्चुअली प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो एक रियलिस्टिक है कि हमारा टीम अच्छा है और हमारा टीम ओलंपिक जा सकता है। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है, अगर हम अपना पूरा परफॉर्मेंस दे सके तो वी आर डेफिनेटली इन द टॉप 3, मेकिंग इट टू पेरिस? बिल्कुल सर, ऑनेस्टली बिल्कुल, ये कहीं 1% डाउट भी नहीं है उस चीज में, हम डिजर्व करते हैं, वो एक सेकेंडरी है। बट आज अगर हम अपनी टीम को देखें तो हमें वहां पे होना ही है वहां, क्योंकि वो पोजीशन चाहिए, जर्मनी है और हमने जर्मनी के साथ प्रैक्टिस मैच खेले हैं और थोड़े टाइम पहले उनके साथ सीरीज खेले थे, तो आज उनके साथ भी खेलने का दिल करता है, पता है कि हम कहीं ना कहीं उनको कम्पीट कर पा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस टूर्नामेंट में वही रहेगी कि एक टाइम पे एक मैच का सोच के जाना है, क्योंकि यूएसए है, न्यूजीलैंड है, इटली है, उनके पास भी उतना ही चांस है ओलंपिक्स में जाने का जितना हमारे पास चांस है, तो वो भी अपनी तरफ से कमी तो नहीं छोड़ेंगे, एफर्ट्स की कमी तो उनकी तरफ से भी नहीं रहेगी। बट हमारी टीम की क्या स्ट्रेंथ है और किन चीजों पे हमारा मेन फोकस रहेगा, और एज ए टीम हमें खेलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और क्योंकि सर जब टूर्नामेंट, जैसे हम पहले पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, जब बात प्रेशर की आती है या टूर्नामेंट के नाम की आती है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से उम्मीद बहुत ज्यादा रख लेते हैं और वही हम अपने आप बिल्कुल को प्रेशर में डालते हैं, तो हम अपनी कहीं जो हमारी क्वालिटी है उनको हम उतना अच्छे से नहीं दिखा पाते। नॉर्मली ट्रेनिंग में जा रहे हैं या टेस्ट मैचेस में जा रहे हैं तो दिखता है कि हाँ ये टीम में 3-4 की प्लेयर है या इनकी वजह से टीम चल रहा है, और जब टूर्नामेंट आते हैं तो वही छोटे प्लेयर कहीं ना कहीं हाइड हो जाते हैं। तो हमारा इस टूर्नामेंट में वही रहेगा कि यंग प्लेयर्स हैं कि आप गलती कर सकते हो, बट उसके बाद आपका सेकंड रिएक्शन क्या है कि आप प्रेशर डालोगे, रिगेनिंग होना चाहिए, और टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जो काफी टीम को हमेशा से हेल्प करते आए, तो साथ में बैठ के यही हमेशा बात करते हैं कि
हमारे लिए फर्स्ट यूएसए है, देन न्यूजीलैंड है, और उसके बाद इटली, और फिर सेमीफाइनल है। और जो आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया, उसका बहुत स्ट्रोंगली हमें बिलीव है कि हम टॉप 3 में इस टूर्नामेंट में डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। फाइनल क्वेश्चन, फिटनेस मेंटली एंड फिजिकली, हूएवर इज पार्ट ऑफ द टीम, एवरीबॉडी इज फिट एंड रेडी? यस सर, डेफिनेटली एवरीवन इज आई लीव रेडी। इट एट दैट सविता, इट वॉज एन एक्सलेंट इंटरव्यू टॉकिंग टू यू, एंड विद द होप कि आप और मैं दोबारा जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट के बाद, सेलिब्रेट करते हुए भारत पेरिस 2024 तब तक क्वालिफाई कर चुका होगा और आप ही के लीडरशिप में, सो उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। हमारा रेव स्पोर्ट्स का कॉरेस्पॉन्डेंट भारत भी रहेगा रांची में आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, एंड वी विल ऑल बी बिहाइंड यू एंड कीप सपोर्टिंग यू लाइक वी हैव डन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।